हेलो दोस्तों, हेमू प्रांजू किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल चॉकलेट ब्रेड। तो इसके लिए हम लेते हैं ये सामान। हमें चाहिए शुगर, चीनी, ब्रेड स्लाइस में कटे हुए, बटर, मैंने अमूल बटर लिया है जो सॉल्टेड नहीं है, अनसॉल्टेड, डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल, चोको चिप्स और चॉकलेट सीरम। तो हमने ले लिया है पैन, पैन को रख देंगे गर्म होने के लिए। फिर इसमें डालते हैं अमूल बटर जो हमने अनसॉल्टेड अमूल बटर लिया था, आप घी भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने शुगर लिया था, चीनी। अब इसे मेल्ट होने देंगे, इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब हल्की आंच पर ही इसे मेल्ट करना है, तेज आंच नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा और इसमें से जली हुई स्मेल आएगी। तो हमारा चीनी देखिए मेल्ट होने लगा है। अब ये मेल्ट होते होते हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। तो बस यहीं पर हमें जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस किए थे उसे डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर सेक लेंगे। थोड़ी देर में ये क्रंची हो जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे बटर का छोटा सा टुकड़ा। बहुत ज़्यादा बटर नहीं डालना है। फिर इसे भी मेल्ट होने पर सारे ब्रेड में उलट पलट के लगा देंगे। अब हमारे ब्रेड देखेंगे दोनों साइड से अच्छा ब्राउन हो चुका है, तो इसे हमने निकाल दिया। अब इसे डेकोरेट कर देंगे। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, बट डेकोरेट करना अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, बच्चों को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। डेकोरेशन किया हुआ तो कोई भी चीज़ देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो तैयार है हमारा कैरेमल चॉकलेट ब्रेड रेसिपी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आता है। धन्यवाद।